जब दुनिया में था तो वो रूहानी गहरी सच्चाइयों के किस खाने के लिए अक्सर फितरी बातों को इस्तेमाल किया करता था। खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो वो रूहानी बातों को, गहरी रूहानी बातों को जब वो सिखाते थे अपने लोगों को, तो वो फितरी बातों को, जो दुनिया की बातें होती थी, उनको इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि उनके लिए ईजी हो जाता था। जैसे कि उन्होंने एक मिसाल दी, एक तरह की मिला कि वो कैसी जाती है, कैसे तंग करती है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि खुदा उनके जो लोग हैं, जब वो भी बार बार पूरे दिल के साथ, ईमान के साथ, रास्तबाजी के साथ अपने खुदा उनसे दुआ करेंगे तो वो जरूर सुनेगा। ऐसे बीज बोने वाले की मिसाल भी दी, वो थी दुनियावी, मगर बाद में जब शिगिर्दों ने पूछा तो खुदा ने कहा कि ये जो खलान मैं ये बीज, इसलिए खुदावंद ने दुनिया में गहरी रूहानी बातों को सिखाने के लिए उसने दुनियावी बातों को इस्तेमाल किया था। खुदावंद ने हमें पहले हमारी फितरत के मुताबिक और हमारी जिस्मानी जिंदगी के मुताबिक बताया, ताकि हम मसीह में अपनी नई जिंदगी को, नई रूहानी जिंदगी को सीख सकें, समझ सकें और उसकी कदर। क्योंकि जब तक हम अपनी जो ये जिस्मानी जिंदगी है उसको नहीं समझते, जब तक हम अपनी फितरत को नहीं समझते, तो हम रूहानी बातों को नहीं समझ सकते। और ये खुदा यीशु मसीह का ये एक बड़ा अच्छा तरीका था। मेरे जीजो, इसका तर्क जो है ये एक बुनियादी और अहम असूल से है। असूल क्या है? कि हम उसकी शक्ल पे, उसकी शबीह पे पैदा हुए हैं। इंसान जो था वो खुदा की शबीह पे और उसकी शक्ल पे पैदा हुआ था। और ये एक असूल, एक कानून है, एक तरीकाकार है। इसीलिए मेरे दीजो, हम जो मसीही हैं, हम जो ईमानदार हैं, उनको ये सीखना है क्योंकि वो आदम, मुकम्मल तौर पर आदम में हैं, उसमें से निकले हैं और उस जैसे हैं। अगर तो हम इन बातों को रखेंगे दिमाग में तो फिर हम तरक्की कर सकते हैं। मगर कई लोग भूल जाते हैं, पिछली बातों को भूल जाते हैं और वो समझते हैं कि अब मैंने तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, अब तो मुझे, मैं तो ठेकेदार हूं, मेरी मर्जी है जो मैं मर्जी करूं। ऐसे नहीं होता। जब तक हम अपनी क्योंकि हमारी जो पुरानी जिंदगी है वो एकदम खत्म नहीं, हमारे गुनाह तो चलो खत्म हो गए, मगर जो गुनाह करने वाली मशीन हमारे अंदर है, जो हमारी नेचर है, जिसमें गुनाह है, जो जो ऑटोमेटिक गुनाह निकलते हैं, वो तो नहीं खत्म होती, वो उधर ही जाती है। इसलिए हमें जैसे कलाम में लिखा है कि जिस तरह एक शख्स के की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, मैं जानता हूं, ये भी रूमियों के खत में साथ में, मैं जानता हूं कि मैं, मुझ में कोई यकी बसी हुई नहीं है, मैं गुनाहगार हूं। खुदा का ये इकरार करता है, हमें बताता है हम इस कैटेगरी में रहते हैं। गो हम मसीही हैं, ईमानदार हैं, फिर भी वो जो बच्चे हैं वो रहते हैं, उनको, उनके साथ हमें स्ट्रगल करनी है, हमें उनके साथ जंग करनी है। और मेरे जीजो, वो जंग हम खुद नहीं, हम करते हैं अपनी मर्जी, फेल होते हैं, फिर हम करते हैं, फेल होते हैं, मगर हमारा खुदावन जो यीशु मसीह जो है, रूह कुदस हमारी मदद करता है और वो हमारी नाकामियों और हमारी जदोजस्त यानी कि हमारी कोशिश, उनके वसीले से वो हमें हमारी जो जिस्मानियत है, जो हमारी फितरत है, जिसमानी जो है कि बहुत बुरी चीज है, ये खुद ही है, खुदावंद उसके मुताबिक सिखाता है। ये है टर्निंग पॉइंट। अगर हम उसको नहीं समझते और हम उस टर्निंग पॉइंट पे नहीं आते तो मेरे चीजों, हम मुकम्मल नहीं हो सकते, हम मसीह में मुकम्मल नहीं हो सकते, चाहे हम अपनी कोशिश कुछ करें। ये खुदावंद है जो कि हम पे जहर, क्या जहर करता है?
हमारी जिंदगी को जिस्मानी जो है ये बहुत इतना ये आसान काम नहीं है। जिस्मानी ये हमारा नफ्स है, ये हमारी खुदी है जो कि हर वक्त हमारे देखो हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है वो शैतान है, दूसरे हम अपने दुश्मन खुद हैं। हमारे अंदर एक जंग रहती है हर वक्त, जब भी हम कोई गलत काम करते हैं ना जमीर कहता है ये गलत है, मगर क्या होता है जैसे कर रहे ओवर शोरा करना, हम ओवर शोरा कर लेते हैं अपनी मर्जी करते हैं और क्या होता है गलत काम कर जाते हैं। इसलिए क्यों कलाम ने ये लिखा है कि जब हम हमें मगर हमें इस कैटेगरी से निकलना है, और वो हम मैंने पहले बताया कि हम खुद नहीं निकल सकते, हमें सरेंडर करना है, तबदारी करनी है। लिखा है ये जो रूमियो जो के ये पांच बाप और उसकी जो ये है 19, इसमें दो चीज है। इसमें लिखा है जिस तरह एक शख्स के गुनाह करने से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, इसी तरह एक शख्स की फरमाबरदारी से बहुत से लोग राष्ट्रवाद ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह की फरमाबरदारी से हम अपने आप से राष्ट्रवाद नहीं ठहर सकते, हमें उसमें आना है, हमें उस पर डिपेंड करना है, हमें अपनी खुदी को खत्म करना है, हमें 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 उसकी ताकतधारी करनी, फरमाबरदारी करनी है जिस तरह उसने की है, फिर हम कहीं जाके खुदावंद में आते हैं और हमें तरक्की मिलती है। जैसा कि कुलसियों 2:5 उसके 9:10 में यूं लिखा है, क्योंकि लुहियत की सारी ममूरी उसी में मुजस्म होकर सुकूनत करती है और तुम उसी में ममूर हो गए। मेरे दिलो ये खुदा का कलाम है जो कि मसीह में मुजस्म और जो कि मसीह जो है वो लुहियत है, कुदरत है उसमें। और कलाम खुदा का बंदा रूह कुदस ये बताता है कि हम उसमें ममूर हो जाते हैं, जब वो हमें ममूर करता है, जब हम उसकी पैरवाई करते हैं, जब हम सरेंडर कर देते हैं, जो कि क्योंकि देखो ये जो खुदी है जिसको जिस्मानियत कहा है, नफ्स है जिसको, ये बहुत लंबा ये छोटा सा नहीं मसला, ये मेरे चीजों ये जो खुदी है हम इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते जब तक खुदावंद हमारी मदद नहीं करता, जब तक हमारे दिल में इसके लिए नफरत नहीं पैदा हो सकती, जब तक हम अपनी जिंदगी से नफरत नहीं करते कहेंगे ये पागल हो गए, मगर ये ऐसे ही है। जब तक हम अपनी जिंदगी से को प्यार करते रहेंगे हम खुदी को नहीं छोड़ सकते। कलाम ने ये भी लिखा है, खुदावंद ने कहा है लूका के इंजील में, उसने बड़ा जोर दिया है स्लीव के ऊपर, कहें स्लीव उठाओ, स्लीव स्लीव हम नहीं उठा सकते, ये जो खुदी है वो आड़े आती है। जब हमें इससे नफरत हो जाएगी अपनी जिस अपनी खुदी से, अपनी फितर से नीचे से, जब हम बिल्कुल सही कर रहे हैं नहीं ये तो गड़बड़ करती है गड़बड़ करती है, फिर हम तैयार होंगे अपनी स्लीव उठाने के लिए। और जब हम अपनी स्लीव उठाएंगे तो उसके बाद क्योंकि स्लीव मसीह के साथ कि जो कोई अपनी स्लीव नहीं उठाता और मेरे पीछे नहीं आता वो मेरा शिगिर्द भी नहीं है, और जिसने भी आना है उसने पहले स्लीव उठानी है, खुदी से इनकार करना है और फिर आना है। चूंकि खुदी जो है ये हमारी जिस्मानी जो है ये तो हर वक्त आड़े रहती है, आगे खड़ी रहती है, ये एक एक मिनट में एक एक हर हर लम्हे में ये हमें हमें परेशान करती है, तो हम कैसे इसको छोड़ सकते हैं? सिर्फ खुदावंद की ताबेदारी से, परिमान आने से, सरेंडर करने से। मेरे जी दो अब मैंने बताया कि हम एक कैटेगरी से निकल के अब दूसरी कैटेगरी में आ गए, आदम की कैटेगरी से निकल के अब दूसरी में आ जाते हैं, क्योंकि जो अभी हमने पढ़ा उसी की जो आया था, क्योंकि अलूहियत की सारी ममूरी उसी में मुजस्म होकर स्कूनत करती है और तुम तो उसी में ममूर हो गए। मेरे जी दो इसके दो सूर हैं, ये एक असूर है जिसके दो हिस्से हैं,
पहले भी हमने एक सूर पढ़ा था ना, ये भी एक सूर है, इब्तदाई सूर है, ये हम उसकी शक्ल के ऊपर है। और हम वो आदम जो था वो खुदा की शक्ल सूरत पे था, मगर हम आदम की शक्ल सूरत पे है, उसकी खसूसियत है हमारे अंदर, वो खत्म नहीं हो सकती। सो मेरे दोस्तों, ये जब हम उसी में आते हैं तो इसके भी दो हिस्से हैं। पहला याद रखें, हमारी जो मसीही जिंदगी है, मसीही जिंदगी जो है वो मंबा है, मसीह का मंबा है। हमारी जो जिंदगी का मंबा है वो मसीह है। अगर तुम्हारी जिंदगी का मंबा वाकई मसीह है तो फिर तो वो ठीक है, अगर कोई और है मंबा तो फिर वो गलत है। ईमानदार को एक मसीह को ये परखना है, ये है तो हकीकत, ये हकीकत है, रियलिटी है कि एक मसीह जिंदगी, जो मसीह जिंदगी है उसका जो मंबा है, उसका जो ओरिजिन है वो मसीह है, वो यीशु मसीह है। हम उससे पैदा होते हैं, जब हमारा ईमान इस पर होता है कि हमारी जो जिंदगी है उसका जो मंबा है वो खुदा यीशु मसीह है, और हम उसमें पैदा हो चुके हैं, और खुदा ने हमें मसीह में मुकम्मल कर दिया है, पूरा कर दिया है। तो मेरे जीजो, ये एक रियलिटी है, ये एक हकीकत है। जब हम इस हकीकत को मान लेते हैं, जब हम इसके लिए सोचते हैं कि वाकई ये हकीकत है और है, और हम और ये सच है कि वाकई ये एक हकीकत है खुदा की तरफ से, कि हकीकत ये कि हम मसीह जो है वो हमारी जिंदगी का मुंबा है, हम उसमें पैदा हो चुके हैं और खुदा ने हमें उसमें मुकम्मल कर दिया। जैसा कि करंथियों दूसरा करंथियों उसमें लिखा है, अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। ये भी एक हकीकत है, जब हम मसीह में आते हैं तो हम बदल जाते हैं, मगर हमें आना पड़ेगा मेरे जी।